हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी की। आज से ही जो है वो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट रहने वाली हैं। सैलरी यहां पर 60,000 से भी अधिक आप लोगों को दी जाएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। 16 विषयों की वैकेंसी यहाँ पर आई है। रेगुलर बेसिस पर यह वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए नोटिफिकेशन में सारी चीजें हम चेक करेंगे। आज से जो है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करिएगा। सब्जेक्ट बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। तो ये कुल 16 सब्जेक्ट हैं और वैकेंसी की जो संख्या है वो 98 है। तो ये आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पर रहेगी। ये सरकारी नौकरी है, पीजीटी की पोस्ट रहने वाली है। पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज से आवेदन स्टार्ट है और 16 नवम्बर तक जो है ये चलने वाले हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म फिल करिएगा। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बार बार नहीं आती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर पीजीटी। आज से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर जो पे स्केल है तो बहुत अच्छी पे स्केल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी है वो आप लोगों की 60,000 से भी अधिक जो है वो सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके बीएड में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो जरूरी बात है आप लोगों के लिए, यहाँ पर सिलेक्शन जो रहेगा वो एग्जाम होगा। पार्ट ए और पार्ट बी दो आपके जो है एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाएगी, पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद थर्ड में जो है अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन होंगे। फोर्थ में जो है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेज के जो है वो 5-5 मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पंजाबी के 4 रहेंगे तो कुल जो है वो 14 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो है 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को दोनों ही जो भाग है पार्ट ए पार्ट बी दोनों में अलग अलग जो है 40% मार्क्स जो है वो लाने कंपल्सरी हैं, जरूरी हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। उसके बाद जो है सिलेक्शन आपका एग्जाम के द्वारा जो है होने वाला है। एज लिमिट जो है आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लें। एज लिमिट कैंडिडेट की जो एज है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की वो यहाँ पर जो 21 से लेकर 37 साल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है एज रिलैक्सेशन, आप देखें कि जो SC OBC ESM और PWD एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो भी निर्देशों के अनुसार जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर मिलेगा इन सभी कैटेगरी को, SC OBC ESM PWD और अदर कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर 1,000 रुपये 1,000 रुपीज जो कि वापस नहीं की जाएगी, तो सोच समझकर ही जो है वो फिल करिएगा। और जो SC कैंडिडेट हैं तो उनकी यहाँ पर लगेगी 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपए जो है यहाँ पर लगने वाली है। तो ये मेन वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर डेली सर्कुलर में सबसे ऊपर ही आप लोगों को ऑनलाइन लिंक फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर PGT यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आप पढ़िएगा, उसके बाद जो है आप लोगों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।